हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर प्रतिक्रिया दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में सभी नागरिक एक समान है, यहाँ पर हिंदू और मुसलमान का कोई भी भेद नहीं है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कैबिनेट के किसी भी मंत्री ने कोई गलत बयान नहीं दिया है। आपको सुनाते हैं क्या कहना है सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का। देखिए, कोई भी सरकार का मंत्री ने ऐसा बयान नहीं दिया होगा। प्रदेश में सभी नागरिक एक समान है। प्रदेश में सभी का धर्मों का सम्मान है और मैं ये कह सकता हूँ कि जो भी कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेगा, हमारी सरकार कड़ाई से उसका पालन करेगी। कानून व्यवस्था को हाथ में लेने का किसी के पास कोई अधिकार नहीं है। क्या कारण रहे हैं कि क्यों ऐसी बात फैल रही है, इस पर हमने गहनता से विचार विमर्श किया। कल शहरी विकास मंत्री ने भी इस पर अपना बयान दिया है और किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी वारदात को हिमाचल प्रदेश में नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में आने वाला हर एक नागरिक जो है वो कानून से भी बंधा है और हम सब हमारे जो यहाँ के साथी है वो भी कानून से बंधे हैं। इसलिए ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये एक प्रोटेस्ट उनका है, पीसफुली प्रोटेस्ट हो, वो हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था को तोड़ने की इजाज़त, चाहे वो कोई राजनीतिक नेता है, चाहे कोई वो कार्यकर्ता है, चाहे किसी पार्टी का समर्थक है, उनको नहीं है। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।